जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप देख रहे हैं अमेज़न FPA प्राइवेट लेवल के कोर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के चैनल पे। आज हम अपनी पिछली वीडियो को ही आगे फर्दर लेकर चलेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसके अंदर हम अपने डाटा को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। तो आए स्क्रीन शेयर करते हैं और इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ये जो लास्ट वीडियो में हमने सारा डाटा बनाया था, अगर आपको याद हो दिस वन, मैंने इसको सिंपली डाटा को पकड़ा और जस्ट आसानी के लिए गूगल शीट में डाल दिया। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा के नीचे तक और फिर राइट, तो ये खुद ही बाय डिफॉल्ट सबको कवर कर लेगा। कंट्रोल फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन राइट, तो ये सारा का सारा खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, यहाँ से आके मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ऊपर ये वैल्यूज डाल दी। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इन सेलर्स का डाटा इधर फिल करना है ताकि हम को रिलेट कर सकें कि कौन सा सेलर कितने रिव्यूज हैं, कितनी प्राइस है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो कितना कितने कीवर्ड्स पर या किन किन कीवर्ड्स पर टॉप रैंक्स में अवेलेबल है। तो काइंड ऑफ ये प्रोसेस वर्किंग है, लेकिन आए इसको इकट्ठे करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको फिलअप कर सकते हैं। अब सबसे पहला डाटा आ गया एसिन, तो ये एक एसिन है, ये एक लिस्टिंग है जिससे सारा डाटा मैं देख देख के कॉपी करता जाऊंगा इधर लिस्टिंग में, ताकि हमें एक बेहतरीन आइडिया हो सके कि आपने बाकी 10 या बाकी 9 सेलर्स के डाटा को कैसे फिलअप करना है। अब ये एसिन, ये अगर आप इधर इसके URL बार में देखें तो amazon.com/, ये हमारा जो नाम आ रहा है कीवर्ड का, लिस्टिंग का जो हमारा नाम आ रहा है, जो उसके इसको कहते हैं कैनोनिकल URL, और फिलहाल अभी ये किसी काम का नहीं, इसको बिल्कुल साइड पे कर दें। DP इज डिटेल पेज, डिटेल पेज के आगे ये ऐसे ना, जो कि हर पेज का अगर इसकी 10 वेरिएशन होंगी तो 10 की 10 वेरिएशन का ये खास कोड होता है जो अमेज़न इसको असाइन करता है। ठीक है, ऐसे है ये इसका कोड और इसको हम इधर से डबल क्लिक करके पिकअप कर सकते हैं। कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया। लेट्स से इधर मुझे लिंक चाहिए, मैं दोबारा जाऊँगा और मैं यहाँ से ये जो कैनोनिकल URL आपको बता रहा था इसको काट दूंगा, amazon.com/dp/sn, और इससे फर्दर अगले सारे एरिया को भी काट दूंगा। दैट्स इट, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये हमारा लिंक आ गया, जिस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारी ये वाली लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सेलर टाइप में आ गए। इसको मैंने इसलिए भी टाइप किया है, जब हम इसको /dp/sn करते हैं तो इधर अमेज़न आपको इसकी कैटेगरी का डाटा दे देता है, जो कि वैसे आप पिछले URL पर नहीं आ रहा होगा। तो वो बता रहा है अमेज़न की टॉयज एंड गेम्स के अंदर सब कैटेगरी है, नॉवल्टी एंड गैग टॉयज वहाँ हमें सब कैटेगरी, स्क्वीज टॉयज ये वहाँ पर ही अवेलेबल है। अब टाइप ऑफ सेलर की बात आती है तो हम इधर देख रहे हैं शिप फ्रॉम अमेज़न है लेकिन सोल्ड बाय प्रो मार्क है, ये एक थर्ड पार्टी सेलर है। अगर ये अमेज़न होता तो मैं इसको टाइप ऑफ सेलर में अमेज़न लिख देता, लेकिन अभी सेलर टाइप में मैं FPA लिख दूंगा। ब्रांड नेम आ गया, ब्रांड नेम इसका पावर योर फन नाम आ गया, ब्रांड नेम जो इधर लिखा हुआ है ये इसका ब्रांड नेम है। यूजुअली टाइटल का पहला वर्ड भी आपका ब्रांड नेम होता है। अब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पावर योर फन आर्ग भी हो सकता है, सिर्फ आर्ग भी हो सकता है, लेकिन चलो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए पावर योर फन के नाम से डाल देते हैं। टाइटल आ गया, टाइटल हम इसलिए क्योंकि हम सबके टाइटल्स को कंपेयर करते हैं कि किसने टाइटल कितना अच्छा लिखा होगा, और टाइटल हमारे आगे रैंकिंग की जान होगा, ये आगे जाके हम देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा हमें। तो अभी इसको टाइटल को इधर पकड़ के मैं पेस्ट वैल्यूज ओनली में चला जाऊंगा। पेस्ट वैल्यूज ओनली में जाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में जाके मैं ये मिडल वाला सेलेक्ट कर लूंगा तो ये पूरा टेक्स्ट उसका रैप अप हो जाएगा। अच्छा, इधर रिव्यूज इसके आ गए, रिव्यूज़ में मैं इधर इसके रिव्यूज़ लिख लूँगा। पहले ये जब जिस टाइम पे पुरानी है, जब से ये शीट चल रही है तब अमेज़न रिव्यूज़ को रेटिंग्स को सेपरेट दिखाता था, तो अभी अमेज़न इधर रेटिंग्स को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये रेटिंग हमारे रिव्यूज से यही मुराद है, 8120, और ये हमारे जो रिव्यू का रेट है ये शो हो रहा है 4.1 out of 5, तो इधर ये आ जाएगा 8120 और रेटिंग हमारी आ गई 4.1 out of 5। करंट प्राइस हमारी है 10.99, ये मैंने इसको इधर 10.99 डाल दिया। और यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करूँगा, इंसर्ट रो, सॉरी रो ऐड करूँगा बिलो, फिर एक ये BSR से भी मैं नीचे रो एक और इंसर्ट करूँगा बिलो।
अच्छा इधर क्या आएगा, इधर हमारा आ जाएगा यहाँ पर हीलियम 10 की अगर हमारे पास एक्सटेंशन है, ये मेरे पास दो दो है फिलहाल, ये कीप है जिसको मैंने आपको बताया अभी तक कैसे यूज कर सकते हैं, नीचे हीलियम 10 भी है, तो दोनों एक ही काम करते हैं। अब मैं इधर इसको 3 मंथ्स के डाटा को भी देख रहा हूँ कि इसकी 3 मंथ में कंसिस्टेंट प्राइस क्या रही है। तो ठीक है, पहले 1 महीने में 11.74 रही है, फिर थोड़ी देर के लिए डिप आया 9.98 का, और अभी पिछले तकरीबन 1 महीने से, बल्कि 1.5 महीने से 10.99 कंसिस्टेंट है। अच्छा अगर ये कंसिस्टेंट होती 3 महीने की प्राइस तो मैं इसको लिख देता। सबसे लंबी लाइन किस एक प्राइस पे है, सबसे लंबी लाइन इस प्राइस पे लास्ट 3 मंथ्स में, तो मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा। तो ये मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस का इधर डाटा आ जाएगा, मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस लास्ट 3 मंथ्स में, तो ये भी मेरे पास आ गई 10.99 की। अच्छा करंट BSR वो भी मैं इधर से देख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर से सेल्स रैंक। अच्छा करंट BSR का डाटा भी मैं इधर से देख सकता हूँ, ये इधर सेल्स रैंक आ गए और ये मेरा सेल रैंक शो हो रहा है 281, 284। अब मैं इसको लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास लास्ट 3 मंथ्स का ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये उसकी BSR को दिखा रहा है। तो अगर मैं रफली इसको देखूँ तो अराउंड 300-350, सबसे लंबा पैच या ड्यूरेशन अराउंड 300 की चल रही है। और अगर मैं करंट BSR देखना चाह रहा हूँ अभी इस वक्त पर क्या है, तो ये नीचे इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आ जाएगी जो कि 413 है। ठीक है, ये 413 है इसकी, और हम मेन कैटेगरी की BSR देखेंगे, सब कैटेगरी की BSR को नहीं देखेंगे। तो इसकी करंट BSR 413 आ गई, और इधर अगर मैं लिखता हूँ मोस्ट कंसिस्टेंट या लास्ट 3 मंथ्स का वर्ड डालें, लास्ट 3 मंथ्स एवरेज BSR, तो ये हमारी ऑलमोस्ट 350 आ गई। अच्छा मंथली एस्टिमेटेड सेल हम हीलियम 10 के एक्सरे से चेक कर लेंगे, जो भी वैल्यू हो, रेवेन्यू भी एक्सरे से चेक कर लेंगे। अब आ जाए इधर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम में मैं यहाँ से इसको पकड़ के ये सेलेक्ट नीचे करके इसको मैं लगाऊंगा फिल्टर। तो अभी इधर इस कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम को देखने के लिए मैं चाहूंगा मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स आ जाएं जिन पर मैं टॉप 10 रैंक्स में अवेलेबल हूँ। तो मैं इधर ये 2, 5, 6 बल्कि मैं क्लियर ऑल करके 2, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इनको सेलेक्ट कर लूँगा। डिपेंड करता है, जहाँ तक मुझे रेवेन्यू नज़र आ रहा है यूजुअली स्टैंडर्ड 10 ऑर्गेनिक रैंक्स का चलता है, बाकी उससे निचले कीवर्ड्स पर ठीक है ये प्रोडक्ट आ रहा होगा, लेकिन सेल क्योंकि अमेजोन का डाटा ये कहता है कि 80% जो क्लिक्स हैं वो पहले 15 के करीब या 20 के करीब सेलर उन्हीं को मिलते हैं, और सेल्स भी मेजोरिटी वही टॉप का 20% लेके जाता है 80% सेल को, पेरेटो रूल जिसको आप कहते हैं। तो उसी की रीजन की बेसिस पर हम खुद भी अगर किसी कीवर्ड पर ट्रैक करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि 10वें रैंक के बाद 11वें 12वें रैंक पर आपको अगर खड़े हो तो आपको इतनी अच्छी कन्वर्जन या सेल नहीं आ रही होती। लोग इसमें अमेजोन का नहीं कसूर, लोग बाय डिफॉल्ट टॉप के प्लेस या रैंक प्रोडक्ट से खरीदना पसंद करते हैं। तो मैंने इधर टॉप 10 का फिल्टर लगा दिया, और ये मेरे पास अब जितने कीवर्ड्स हैं वो आ चुके हैं जिन पर ये पर्टिकुलर कंपेटिटर टॉप 10 स्पोर्ट्स में रैंक है। अब इधर मैं इसका सर्च वॉल्यूम को काउंट कर लूंगा, इधर टोटल इसका सम आ गया 11,000 का, 11,563। तो इधर मैं इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की वैल्यू डाल दूंगा 11,563। अच्छा कैप्चर्ड कीवर्ड टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं मैं इसको भी नोट डाउन कर लूंगा। तो तकरीबन ये सेलेक्ट ऑल मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, 16 काउंट आ गई हमारी टोटल कीवर्ड की। ठीक है 16 काउंट आ गई, और अब इसके बाद मैं इसको रैंक को सबको रिमूव करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट ऑल पे जाता हूँ और ये सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए। अब मैं इनका सर्च वॉल्यूम देखता हूँ, तो इनका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 2,78,000 का, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ उधर आके रिफाइन हो जाए। तो जो टोटल सर्च वॉल्यूम है इसका 2,78,000 का, लेकिन उसमें से ये बंदा पर्टिकुलरली 11,000 का सर्च वॉल्यूम कैप्चर करके बैठा हुआ, तो आपको एक कंपैरिजन का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड जितने हम इधर वो डाल देंगे, एज इसकी मंथ्स में हम यहाँ से देख सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज में ये मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन है। ठीक है स्क्वीज, अच्छा यूजुअली यहाँ पर एज मेंशन होती है, लेकिन अगर हो तो गुड इनफ, अगर नहीं हो तो हम इधर हीलियम 10 या कीपा में ऑल का जो डाटा यहाँ से देख सकते हैं। अब साल में अगर 365 दिन है तो तकरीबन ये 2 साल से ये लिस्टिंग लाइव है, तो
हम इधर तकरीबन एज जो है ना वो 24 मंथ्स कर देंगे। वेरिएशन इसकी है भाई जान की? हाँ जी, वेरिएशन इनकी डेफिनेटली है, 3 वेरिएशन है। तो इधर ये 3 वेरिएशन का डाटा डाल दिया, और अगर हम लिस्टिंग की पूरे डिटेल को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रीड आउट करें, और अगर आपको इसमें कुछ खास बात, कोई स्पेशल फीचर नजर आता है तो आप उसको यहाँ पर लिख दें, और इसी तरीके से 10 के 10 कंपेरेटर्स का डाटा फिल कर लें। वहां से आपको एक अच्छी खासी कंपैरिजन हो पाएगा कि कौन सा बंदा कितना कमा रहा है। अच्छा कमा रहा है तो वो कितना सर्च वॉल्यूम कैप्चर करके बैठा हुआ है, और कंपैरेटिवली दूसरा कोई ऐसा बंदा जो कि उसके बराबर का सर्च वॉल्यूम कैप्चर करके बैठा हो और कम कमा रहा हो या ज्यादा कमा रहा हो। अच्छा जितने कीवर्ड्स पर ये बैठे हुए हैं वो एक बात है, जितने कीवर्ड्स पर ये मिसिंग है वो कौन कौन से कीवर्ड है, तो हम ये सारा डाटा फिर फर्दर आगे देख पाएंगे। तो अभी इसकी इस वीडियो में बस इतना ही। आप साथ साथ कोशिश करें कि इस प्लान को, इस वर्कअप को एग्जीक्यूट करते जाएं, और ताकि साथ साथ ही आप अपने हंटिंग की एवेल्युएशन की स्टेज और उसके बाद सोर्सिंग मेरे साथ ही एक जर्नी को तय कर लें और चीज़ें काफ़ी आसान और सिंपल हो जाए आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में एवेल्युएशन के क्राइटेरिया के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।